तारीख इसी साल की 8 अक्टूबर थी। रात के 11 बजे थे कि अचानक सदर थाने का फोन घनघना उठा। पुलिस को खबर दी गई कि बलवा कुंवारी इलाके में फायरिंग हुई है और स्कूल प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई है। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाले सुधीर को उनके स्कूल कैंपस में मौजूद घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी। ताज्जुब की बात यह है कि हत्यारों ने सुधीर को उस वक्त गोली मारी जिस वक्त सुधीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर के कमरे में सो रहे थे। दरअसल सुधीर सदर थाना क्षेत्र के बलवा कुंवारी में किराए की जमीन लेकर इलाके में स्कूल चलाया करते थे। करीब 8 साल पहले सुधीर ने सुमन के हुई लव मैरिज की थी। दोनों के बच्चे थे और सुधीर की जिंदगी खुशहाली से गुजर रही थी। पुलिस अफसरों की समझ में नहीं आ रहा था कि घर में कातिल कैसे घुसे। कातिलों ने सिर्फ सुधीर को ही निशाना क्यों बनाया? कई सवाल अफसरों के जहन में कौंध रहे थे। पूछताछ में सुधीर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने अंधेरे कमरे से उसने दो हमलावरों को भागते देखा है। अब फिलहाल पुलिस के सामने ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत सुधीर की लव मैरिज वाली शादी और उससे जुड़े किसी विवाद की तरफ मोड़ दी। कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को प्रेमी प्रेमिका वाले इस जुड़े की कहानी में कोई विलेन नजर नहीं आया और हत्या की कई वजह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब पुलिस ने तफ्तीश को सुधीर के स्कूल के बिजनेस राइवलरी की तरफ मोड़ा। यहां पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस को पता चला कि सुधीर के स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को किसी बात से नाराज होकर सुधीर ने स्कूल से निकाल दिया था। ये दुश्मनी की वजह हो सकती थी। निकाले गए टीचर का नाम प्रभात था। पुलिस टीचर की तलाश में जुट गई। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुधीर की प्रेमिका से पत्नी बनी सुमन की बातचीत भी प्रभात से होती थी। बस पुलिस को यहीं से कत्ल के इस केस की सबसे बड़ी लीड मिली। कॉल रिकॉर्ड की जांच में पता चला जिस टीचर को सुधीर ने बेदखल कर दिया था उस प्रभात से बीवी की नजदीकियां थीं। यही वजह थी कि सुधीर ने प्रभात को स्कूल से निकाला था। इसके बावजूद सुमन के अवैध संबंध प्रभात से थे जिसको लेकर पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ करता था। बस इन्हीं झगड़ों से निजात पाने और प्रभात की हो जाने के लिए सुमन और प्रभात ने एक खौफनाक साजिश रची, साजिश सुधीर के कत्ल की। पुलिस ने सुमन से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या के राज पर पड़ी परतें खुलती चली गईं। खुलासा हुआ कि पत्नी सुमन ने साजिश के तहत उस रात खिड़की का दरवाजा खोल रखा था। प्लान के मुताबिक इसी दरवाजे से दाखिल होकर प्रभात और उसके साथी कमरे में पहुंचे थे और सोए हुए सुधीर के सिर में गोली मार दी थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी सुमन के साथ प्रेमी प्रभात को भी गिरफ्तार कर लिया है।